श्री गणेशाय नमः। रमा एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे भगवान, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि क्या है? इसके करने से क्या फल मिलता है? सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा घबरा कर विचार करने लगी कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवा कर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। इस पर चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूँगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया, परंतु शीघ्र ही वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु वह शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि जटित स्वर्ण के खम्भों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषणों तथा छत्र व चवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर कि यह तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणामादि करके कुशल क्षेम पूछी। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से है, नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है, यह स्थिर हो जाए, ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य मैं वह उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या ना समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः
यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहे तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या किसी स्वप्न की बातें कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुझे वहाँ ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो जाए, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ वह अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाई तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान है, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती है। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे।